फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जोश। फ्रेंड्स आज हम लोग जो है बजाज के द्वारा दिए गए आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो है पिन जो है सेट करना सीखेंगे, वो भी अपने आरबीएल माई एप्स में जाकर। फ्रेंड्स जब आपको जो है आरबीएल की तरफ से जो है जब कार्ड दिया जाता है तो साथ में जो है इसके ट्रांजैक्शन के लिए जो है आपको एक पिन भी दिया जाता है जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो है भेजा जाता है, जिस पिन का जो है यूज़ करके जो है आप कहीं भी एटीएम से ट्रांजैक्शन कर पाते हैं या फिर कहीं भी ऑनलाइन में जो है आप जो है यदि जहाँ आपको जो है उसकी पिन की जो जरूरत पड़ती है, जहाँ आपको जो है स्वाइप करना पड़ता है, इन सब जगहों के लिए जो है आपको जो पिन की जरूरत पड़ती है उस पिन को जो है आज हम चेंज करना सीखेंगे। वैसे तो यह सिस्टम जनरेटेड जो है पिन होता है जो कि आपको जो है ईमेल में भेजी जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 2 मिनट में इसे जो है अपने माय आरबीएल ऐप से जो है चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले जो है मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स यदि आपने आरबीएल क्रेडिट कार्ड के बारे में यदि आपको यदि जानकारी नहीं है तो फ्रेंड्स इस पे जो है मैंने बहुत सारी जो है वीडियोस जो है बनाई हुई है जिससे कि आप अपने जो है बजाज के आरबीएल सुपर कार्ड को जो है किस तरह से सबसे फर्स्ट टाइम जो है अपने माय आरबीएल ऐप्स में जो है लॉगिन करेंगे, किस तरह से जो इसकी जो है कार्ड की जो क्या क्या बेनिफिट होती है, क्या इसकी फीचर होती है या फिर इसमें क्या क्या जो है आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स वगैरह जो है दिए जाते हैं, इन रिवार्ड्स पॉइंट्स को जो है आप कैसे जो है चेंज करेंगे, इसके जो है कैसे आप प्रोडक्ट वगैरह जो है खरीद सकते हैं या फिर फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं, इन सब के में जो है फ्रेंड्स मैंने डीप में जो है एक अलग से जो है बहुत सारी जो है वीडियो जो है बनाई हुई है। फिर इनके जो है पेमेंट की क्या क्या जो है मेथड है और ये मेथड को यूज करके जो है कैसे आप इनको जो है पेमेंट करेंगे, इन सब के बारे में जो है मैंने डिटेल में जो है अलग अलग वीडियो जो है इन पे बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स इसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी, साथ में इस वीडियो के लास्ट होने पर भी आपको इन सभी की जो है लिंक जो है आपको मिल जाएगी, इसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। तो वहां से जो है फ्रेंड्स आप इन सब के बारे में जो है वीडियो देख सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को जो है दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जोशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोश। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने मोबाइल की ओर जहां कि हम सीखेंगे अपने माय आरबीएल ऐप्स के द्वारा बहुत ही 2 मिनट में अपना पिन सेट करना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है आप अपने आरबीएल माय ऐप्स को जो है ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको जो है राइट साइड में सबसे ऊपर जो है आपको 3 डॉट जो है दिखाई दे रहे होंगी, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने जो है इस तरह का जो है एक विंडो जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पे जो आपको रिसेट कार्ड पिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको जो है उसे टच करना है। टच करने के बाद जो है फ्रेंड्स यह जो है आपको एक पेज के ऊपर जो है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है क्लियर जो है लिखा हुआ है कि चेंज या सेट योर क्रेडिट कार्ड पिन, यानी कि फ्रेंड्स आप यहां से अपना जो है यदि पिन यदि आपने सेट नहीं किया है तो सेट भी कर सकते हैं और यदि पहले से सेट किया हुआ है तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आपका जो है इसका होम पेज जो है ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आपसे जो है पूछा जा रहा है इंटर क्रेडिट कार्ड नंबर, तो फ्रेंड्स यहाँ जो है इसके सामने जो है आपको 4 बॉक्स जो है नज़र आ रहे होंगे, तो हर एक बॉक्स में जो है आपको 4 डिजिट जो है डालने हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है, तो आपको हर एक बॉक्स में जो है वो 4 नंबर जो है डालना है। जो आपने क्रेडिट कार्ड को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ जो आपको जो है 4 अंकों का जो है एक गुच्छा मिल जाएगा, यानी 4x4 यानी कि आपको 16 डिजिट जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ जो है 4 के ब्रांच में जो आपको वो 16 डिजिट का नंबर क्रेडिट कार्ड का डालना है। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ जो फ्रेंड्स आपको जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ डाल देना है। यहाँ से जो है आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका साल भी चेंज कर सकते हैं, तो जो भी है महीना साल यहाँ से जो है चेंज करके आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, साल भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ से आप साल को प्लस माइनस करके उसी फॉर्मेट में जो है डाल दीजिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स नीचे जो आप देख सकते हैं नीचे है कार्ड का एक्सपायरी डेट और उसका ईयर, तो डेट तो देना नहीं है आपको, सिर्फ मंथ दिया हुआ है तो उसका मंथ यहां से चूज कर लीजिए और जो इसका ईयर है एक्सपायरी वो डाल दीजिए। उसके बाद उसके नीचे जो एक देख रहे होंगे कि अभी जो आपको धुंधला सा दिख रहा होगा एक रेड कलर का सेंड OTP, तो फ्रेंड्स जब ऊपर के ये जो आप जो तीन जो ये जो परफॉर्मा है जब आप इसको भर देंगे तो यह जो है ऑटोमेटिक जो है हाईलाइट हो जाएगा, अभी यह जो है छुपा हुआ है लेकिन इन तीनों को डालने के बाद जो ऑटोमेटिक यह जो है दिखने लगेगा। तो जब आप इस पर जब प्रेस करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर जो है एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है। डालने के बाद जो है आपको
इंटर न्यू पिन, आप नीचे देख सकते हैं कि आपसे जो है नया जो है पिन नंबर पूछा जा रहा है और नीचे दिख रहा होगा री इंटर न्यू पिन। तो जो आप अपनी इच्छा से जो अपने कार्ड के लिए नया जो पिन रखना चाहते हैं उसको यहाँ जो है आपको डाल देना है, और नीचे जो री इंटर न्यू पिन है यहाँ भी फिर से वही सेम नंबर आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको सिंपली नीचे जो दिख रहा होगा चेंज पिन, यह भी अभी हाइड दिख रहा होगा। तो ऐसा इसलिए है कि जब आप ऊपर का ये तीनों जब फॉर्म जब भर देंगे उसके बाद ही यह जो है इनेबल हो जाएगा। तो इन तीनों को भरने के बाद जो है आप डायरेक्ट जो है चेंज पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सक्सेसफुली जो है पिन जनरेट कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं जो है लाइव जो है आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं जो है अपने पूरे डिटेल जो है भर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जो है अपने पूरे डिटेल जो है यहाँ पर भर दिए वैसे ही ये जो है सेंड ओटीपी का ऑप्शन जो है इनेबल हो गया है। तो चलिए मैं जो है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ जिससे कि यह जो है हमारे पास ओटीपी भेजे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि यह जो है एक बार जो है सक्सेसफुल जो है हमारे जो है जीमेल आईडी पे और हमने जो नंबर जो दिया है अपना फ़ोन नंबर उसके ऊपर जो है मैसेज जो है भेज चुका है। तो मैं जो यहाँ ओके कर देता हूँ और इसके ओर से जो है ओटीपी आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब जो है आप अपना वह जो है ओटीपी जो आपको जो भेजा गया है उसे जल्दी से यहाँ जो है डाल करके नया जो है पिन डाल लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ 3 मिनट ही यह जो है ओटीपी रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ 3 मिनट के लिए ही हमारा यह ओटीपी जो है वो वैलिड रहेगा। तो जल्दी से जल्दी जल्दी मैं अपना जो है पूरा डाल देता हूँ। उसके बाद जो है फ्रेंड्स सभी जो है डिटेल डालने के बाद अपना ओटीपी और जो पिन हमने नया सोचा है आप जो है सिंपली चेंज पिन के ऊपर जो है क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है हमारा पिन रीसेट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यहाँ जो है कन्फर्मेशन जो है मैसेज जो है दिख रहा होगा कि पिन फॉर योर क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली, प्लीज़ यूज़ द न्यू पिन फॉर ऑल परचेज मेड अक्रॉस मर्चेंट आउटलेट्स। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ जो आपसे जो कहा जा रहा है कि आप जो है अब यही पिन जो है अपना जो नया जो आपने जो सेट किया है किसी परचेज के लिए आपको यही पिन जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ जो है सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स फिर से जो है आपके सामने वही जो है आप वापस जो है उसी पेज के ऊपर वापस हो जाएंगे। तो चूंकि मैंने जो है ऑलरेडी जो है चेंज कर लिया हूँ तो मैं जो है अब यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से हमने सिर्फ 2 मिनट में जो है अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जो है सक्सेसफुली सेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो जो है पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स यदि आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो आप हमें बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोज जो है आपको हमेशा मिलती रहेंगी, और साथ में फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लीजिए। और फ्रेंड्स यदि आपको लगता है कि इससे रिगार्डिंग जो है आप किसी भी फ्रेंड को जो है हमारी वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, तो आप हमारे वीडियोस को उनको भेज सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।